السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير आज हम सूरत अल-माईदा की आयत नंबर 4 से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यसअलूना का वो पूछते हैं आपसे माजा कि क्या क्या चीज़ें ओहिल्ला हलाल की गई हैं लाहम उनके लिए कुल कह दीजिए ओहिल्ला हलाल कर दी गई हैं लकुमुत्तय्यिबातु तुम्हारे लिए पकीज़ा चीज़ें व माँ और उनका शिकार जो अल्लम तुमने सुदाए हैं मिनल जवारी ही शिकारी जानवर मुकल्लिबीना जिन्हें तुम शिकारी बनाने वाले हो तो अल्लिमूना हुन्ना तुम सिखाते हो उनको मिम्मा इसमें से जो अल्लामाकुमुल्लाहु सिखलाया तुम्हें अल्लाह ताला ने फकुलू चुनाचे तुम खाओ मिम्मा इसमें से जो अमसकना वो रोक रखें अलैकुम तुम्हारी खातिर वस्कुरु स्मल्लाही और तुम जिक्र करो अल्लाह ताला का नाम अलैहि उस पर वत्तकुल्लाहा और तुम डरो अल्लाह ताला से इन्नल्लाहा बेशक अल्लाह ताला सरीउल हिसाब बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। जारी हुन की जमा है जो का सब कमाने वाला के माना में आता है मुराद शिकारी कुत्ता बाज चीता शिकरा और दिगर शिकारी परिंदे और दरिंदे हैं। मुकल्लबीना का मतलब है शिकार पर छोड़ने से पहले उनको शिकार के लिए सुदाया गया हो। सुधाने का मतलब है जब उसे शिकार पर छोड़ा जाए तो वो दौड़ता हुआ जाए जब रोक दिया जाए तो रुक जाए और बुलाया जाए तो वापस आ जाए। इस आयत में खाने पीने की अशिया की हिल्लत व हुरमत के मुतल्लिक एक अजीम शान असूल दिया गया है कि हर चीज़ की असल अबाहत है और उसका मतलब ये है कि खाने पीने की तमाम अशिया दो शर्तों के साथ तुम्हारे लिए हलाल हैं। एक ये कि वो चीज़ पकीज़ा और साफ सुथरी हो गंदी बासी सड़ी हुई और बदबूदार ना हो। दूसरे ये कि इससे मुतल्लिक शरीयत में ये सराहत ना हो कि वो हराम है। इस तरह हराम अशिया का दायरा बहुत महदूद होता है और हलाल अशिया का दायरा बहुत वसी हो जाता है। वमा अल्लम तुम मिनल जवारी ही मुकल्लिबीना यानी वो शिकार हलाल है जिसे तुम शिकारी जानवरों मसलन कुत्तों चीतों और बाजों वगैरह के जरिए शिकार करो। सैयदना अदी बिन हातिम रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाज से शिकार करने के बारे में सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जो तुम्हारे लिए रोक ले तो तुम उसे खा लो।
तिर्मिजी की रवायत है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुत्ता पालता है तो हर रोज उसकी नेकियों में से एक की रात कम होता है, सिवाय बकरियों या खेती वगैरह की हिफाजत के लिए रखे कुत्ते के या शिकार के कुत्ते के अलावा। तो अल्लिमूनाहुन्ना मिम्मा अल्लामाकुमुल्लाहु फकुलू मिम्मा अमसकना अलैकुम, यानी जब शिकारी जानवर सुधाया हुआ हो वो शिकार को अपने मालिक के लिए पकड़े रखे और उसे छोड़ते वक्त अल्लाह ताला का नाम लिया गया हो तो ये शिकार हलाल है, वह वो उसे कत्ल ही क्यों ना कर दे। सैयदना अदी बिन हातिम रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने अर्ज की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सुधाए हुए कुत्तों को छोड़ता हूँ और वो मेरे लिए शिकार करते हैं और मैं अल्लाह ताला का नाम ले लिया करता हूँ। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम उस अपने सदाए हुए कुत्ते को छोड़ो और अल्लाह ताला का नाम ले लो तो जो शिकार वो तुम्हारे लिए पकड़े उसे खा लो। मैंने कहा कि अगर वो उसे कत्ल कर दें, फरमाया ख्वाह वो उसे कत्ल कर दें, शर्त ये है कि कत्ल में कोई ऐसा कुत्ता शरीक ना हो जो उनमें से ना हो, क्योंकि तुमने अपने कुत्ते को छोड़ते वक्त अल्लाह ताला का नाम लिया होता है, किसी दूसरे पर अल्लाह ताला का नाम नहीं लिया होता। मैंने अर्ज की कि मैं शिकार पर छुरी लगी हुई लाठी फेंकता हूँ तो उसे लग जाती है, फरमाया अगर तुम ऐसी लाठी फेंको और वो उसे फाड़ दे कि उस तो तुम उसे खा लो, और अगर वो लाठी अर्श की तरफ से लगे और वो मर जाए तो वो चोट लगने से मरा हुआ जानवर है, उसे मत खाओ। बुखारी की रवायत है। सैयदना अदी बिन हातिम रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अपने कुत्ते को भेजो तो उस पर अल्लाह ताला का नाम लो, और अगर वो तुम्हारे लिए पकड़े और तुम उसे जिंदा पालो तो उसे ज़िबह कर लो, और अगर तुम उसे पाओ कि उसने उसे कत्ल कर दिया है लेकिन उसे खुद नहीं खाया तो फिर तुम उसे खा लो, क्योंकि कुत्ते का उसे पकड़ना ही उसे ज़िबह करना है। बुखारी की रवायत है। इन्नल्लाहा सरीउल हिसाब। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे हिसाब लिया गया उसे अजाब दिया जाएगा। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि मैंने अर्ज की, क्या अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया, फसौफा युहासबु हिसाबन यसीरा, सूरत अल इंशिकाक में, सौ अन करीब उससे हिसाब लिया जाएगा, नहायत आसान हिसाब। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये आसान हिसाब तो बस सरसरी पेशी है, लेकिन जिससे हिसाब की कुरेद की गई तो उसको ज़रूर अजाब होगा। आयत नंबर 5। अल्योमा आज ओहिल्ला हलाल कर दी गई हैं, लकुमुत्तय्यिबातु तुम्हारे लिए पाकीज़ा चीज़ें, वताआमु और खाना, अल्लज़ीना उन लोगों का जो, उतुल किताबा दिए गए किताब, लुल्लाकुम हलाल है तुम्हारे लिए, वताआमुकुम और तुम्हारा खाना, लुल्लाहुम हलाल है उनके लिए, वलमुहसनातु और हलाल हैं तुम्हारे लिए पाक दामन, मिनल मुमिनाती मोमिन औरतें, वलमुहसनातु और पाक दामन औरतें, मिनल्लज़ीना उन लोगों की जो, उतुल किताबा दिए गए किताब, मिन कबलिकुम तुमसे पहले,
इज़ार जब आते तो मुँह हुन्ना तुम दो उनको, हजूरा हुन्ना उनके महर मोहसिनीना, इस हाल में के निकाह में लाने वाले हो, गैरा ना के मुसाफिहीना बदकारी करने वाले हो, वला मुताफिजी और ना बनाने वाले हो, अकदार खुफिया आशनाए, व मैं यकफुर और जो कोई इनकार करेगा, बिल ईमान ईमान से, फकद हबीता तो बर्बाद हो गए, अमलहू उसके अमल, बहुवा और वो, बिल आखिराती आखरत में, मिनल खासिरीन खसारा उठाने वालों में से होगा। अल्यौमा उहिल्ला लकुम तय्यिबात व ताअमु लज़ीना ऊतुल किताबा हिल्लुल लकुम, अहले किताब का खाना खाने के लिए बुनियादी शरायत ये हैं कि ज़बीहा पर अल्लाह ताला का नाम लिया गया हो, चीज़ पाकीज़ा हो और उनके दस्तरखान पर कोई हराम चीज़ मसलन शराब या सुअर का गोश्त वगैरह ना हो, और अगर इनके दस्तरखान पर ऐसी अशिया पड़ी हुई हों तो उनके साथ खाना तो दरकिनार, उनके बर्तन भी इस्तेमाल करना जायज नहीं। उन्हें खूब धोकर पाक साफ कर लिया जाए और ये इस्तेमाल मजबूरन हो। सैयदना अब्दुल्ला बिन मक्फल रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं के खैबर के दिन चर्बी से भरा हुआ एक थैला फेंका गया, जिसे मैंने उठा लिया और कहा कि आज मैं उसमें से किसी को कुछ नहीं दूंगा। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी इस बात पर मुस्कुरा रहे थे। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि खैबर की फतह के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक यहूदी औरत की तरफ से बकरी के गोश्त का हदिया पेश किया गया जिसमें जहर मिला हुआ था। वल मुहसनातु मिनल मुमिनाती वल मुहसनातु मिनल लज़ीना ऊतुल किताब मिन कब्लिकुम इज़ा अतैतुमूहुन्ना उजूराहुन्ना मुहसिनीना गैरा मुसाफिहीना वला मुत्ताखिज़ी अक़दान, किताबिया औरतों से शादी के जवाज के लिए शर्त लगा दी गई कि उनका महर अदा कर दिया गया हो और मकसूद शादी करना और इफ़त हासिल करना हो, एलानिया या छुप कर जिना की नीयत ना हो। इरशादे बारी ताला है मुहसनातिन गैरा मुसाफिहातिन वला मुत्ताकिजाती अकदान सूरत अन्निसा में, जबकि वो निकाह में लाई गई हूँ बदकारी करने वाली ना हूँ और ना छुपे यार बनाने वाली, और फरमाया वला तन के हुल मुशरिकाती हत्ता मिन्ना सूरत अलबकरा में, और मुशरिक औरतों से निकाह ना करो यहाँ तक कि वो ईमान ले आए, वमन यकफुर बिल ईमान फकद हबिता अमलुहु वहुवा फिल आखिराती मिनल खासिरीन। सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस जात की कसम जिसके हाथ में मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, उस जमाने का यानी अब से कयामत तक कोई यहूदी हो या नसरानी या कोई और दीन वाला मेरे मुतल्लक सुने और मेरी लाई हुई शरीयत पर ईमान लाए बगैर मर जाए तो वो दोज़खी है। सुभान रब्बी का रब्बिल इज़्ज़त अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।